दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि हमारे मई और जून जो है वेस्ट हो गए हैं, तो हम फिजिक्स की शुरुआत कैसे करें या फिजिक्स को कैसे पढ़ें कि जिससे एग्जाम में हम अच्छे नंबर ला सकें, 70 में 70 ला सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं कि फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है एक्चुअल में। ठीक है, फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है, फिजिक्स किस तरीके से जो है हम पढ़ें कि हमें लंबे समय तक याद रहे, या फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो किस टाइप से जो है हम अप्रोच करें कि वो सारी चीजें हम अच्छी तरीके से कर पाएं। तो बच्चों जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और इसके साथ साथ कॉपी पेन लेकर बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएं वो सारी चीजें नोट करो, और साथ ही साथ जो भी स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं, ज्यादा नहीं बच्चों, बस सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके हम आपको बता रहे हैं। अगर ये चारों तरीके आप अपना लिए तो आप फिजिक्स में कभी भी नहीं डरेंगे, यानी फिजिक्स फिर आपके लिए एकदम समझ लो इजी सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हिंदी को आप इजी समझ लेते हो, हिंदी इंग्लिश को, उस तरीके से आपको फिजिक्स भी एकदम आसान लगने लगेगी। बस आप क्या करिए, जो भी स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है उसको एकदम ईमानदारी से फॉलो करिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम आपकी बात करें तो जो आपका मई था, जून था, ठीक है, इसमें 3 टाइप के स्टूडेंट आपको देखने को मिले होंगे। सबसे पहले चीज तो वो, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए हमारे पास 3 टाइप के बच्चे हो। ठीक है, एक तो वो जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, यानी कि पूरा मई जून जो है उनका निकल गया लेकिन उन्होंने अपनी कॉपी किताब तक नहीं खोली, पहले स्टूडेंट इस टाइप के होंगे। दूसरे ऐसे भी होंगे जो 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे, यानी कि अगर आपको हमने 3 चैप्टर पढ़ाए हैं तो उसमें से आप 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, ऐसे भी महान, ठीक है, एकदम अद्भुत टाइप के होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आखिरी के, ठीक है, अंतिम के 1-2 महीने में हम आसानी से पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर ले आ लेंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए बच्चों देखिए, इन बच्चों के लिए सिर्फ एक ही चीज कहेंगे कि बेटा ये स्ट्रेटजी, ठीक है, आप कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए मत लगाना। ठीक है, कि अंतिम समय में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो अंतिम समय होता है ना, वो अंतिम वाला जो समय है वो आता नहीं है, ऐसा कोई टाइम नहीं आता कि जिसमें आप अच्छे से पढ़ लोगे और फिर जो है पढ़कर आप सारी चीजें समझकर जो है एग्जाम दे लोगे, ऐसा टाइम कभी नहीं आता। ठीक है, तो सभी लोग, चलिए जिसका भी मई जून निकल गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुलाई से अब आप एकदम अच्छी तरीके से लग जाइए और एक एक चीज को, हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बच्चों अगर हम बात करें आपके फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स में देखा जाए तो कुल हमारे पास टोटल मिला के 14 चैप्टर हैं, और वो 14 चैप्टर कौन कौन से हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से सबसे पहला जो चैप्टर है ये फिजिक्स पार्ट 1 का है, आपका है, वो क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा है आपका विद्युत धारा, और चौथा जो है आपका गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव्य है। छठा जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है, और सातवां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, और आठवां चैप्टर आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये आपके फिजिक्स पार्ट 1 का है बेटा, किसका है, फिजिक्स पार्ट 1 के चैप्टर हैं। और वहीं हम आपके अगर फिजिक्स पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 का सबसे पहला जो चैप्टर है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र है। ठीक है, उसके साथ साथ अगला है तरंग प्रकाश की, अगला है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति, फिर है परमाणु, और उसके बाद है नाभिक, और लास्ट जो है वो है आपका अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये आपके फिजिक्स पार्ट 2 का चैप्टर है। ठीक है, ये फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर हैं, ये पार्ट 1 के चैप्टर। अब अगर हम बात करें इन चैप्टर की, तो इन चैप्टर से देखा जाए तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके एग्जाम में बेटा सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने टाइप के, 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन चारों टाइप में कौन कौन से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जो है देखिए आपकी कैटेगरी में आता है आपके फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर किसी का है तो वो डेरिवेशन है, उसके बाद जो है आपका जो है न्यूमेरिकल है, फिर आपकी थ्योरी है, और फिर उसके बाद एमसीक्यू है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन 4 टाइप के प्रश्नों में से देखा जाए कुल मिला के जो एमसीक्यू है, ठीक है, यानी कि जो बहुविकल्पीय है, ये आपसे बेटा 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर के, 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि एक एक नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले आप पेपर के पैटर्न को पूरा समझ लीजिए, फिर
हम लोग समझते हैं एकदम बारीकी से कि हम शुरुआत कैसे करें या कैसे एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, पहले आप पूरा पेपर पैटर्न जान लो कि हमें आगे किस टाइप के पेपर को सॉल्व करना है। क्योंकि देखो होता क्या बच्चों, आपको सभी को यानी जितने भी स्टूडेंट होते हैं सभी को सेम पेपर मिलते हैं। ठीक है, सेम सिलेबस से बनाया हुआ पेपर मिलता है और कुछ बच्चे उसी पेपर को, ठीक है, उसी पेपर को करके एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जस्ट पास होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज में रह जाते हैं। ठीक है, तो इनके पीछे के क्या कारण है, क्या लॉजिक है, सारी चीजें अच्छे से हम लोग बात करेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, बस आप धैर्य बना के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है, कॉपी पेन के साथ एकदम बैठो। ठीक, वहीं अगर हम बात करें आपसे एक नंबर वाले क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय की, ठीक है, तो ये आपसे बेटा 6 प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर वाले। ठीक है, और कितने अंक हो गया, 6 अंक। 2 नंबर वाले प्रश्न जो है आपसे 4 पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ 3 नंबर वाले आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर वाले, 3 नंबर वाले आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं इसमें अगर बेसिकली देखा जाए तो आपके छोटे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, छोटे डेरिवेशन भी आ जाते हैं और छोटे थ्योरी भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ज्यादातर बेटा न्यूमेरिकल और थ्योरी आता है, डेरिवेशन बहुत कम आता है। डेरिवेशन जो होता है, सबसे ज्यादा डेरिवेशन अगर किसी सेक्शन में आता है तो वो 5 नंबर वाले प्रश्न में आता है डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन में अगर देखा जाए तो 5 होते हैं और इन 5 में से कभी कभी आपको 2 या 3 डेरिवेशन मिल जाए, ठीक है, 2 या 3 डेरिवेशन मिल जाएंगे और 2 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, या कभी-कभी ऐसा भी होता है इसमें अथवा में भी पार्ट होते हैं। ठीक है, आपको अगर देखिए 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन होते हैं लेकिन 4 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का अथवा पार्ट होता है। ठीक है, यानी टोटल आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिसमें से 4 ये भी हो सकता है कि 6 थ्योरी हो, 2 न्यूमेरिकल हो, या 6 न्यूमेरिकल हो, 2 थ्योरी हो, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो पेपर है बेटा वो पूरा बनता है 70 नंबर का। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि शुरू कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, ध्यान से समझना इस चीज को। देखो होता क्या है बेटा, आप लोग गलती कहां करते हो, सबसे बड़ी गलती यहां पे ये होती है कि देखिए जो बच्चे, ठीक है, हर एक बच्चा कोई ना कोई स्कूल जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई और ऑनलाइन भी आप लोग पढ़ रहे हो, तो होता क्या है कि आप स्कूल में अलग चैप्टर पढ़ रहे हो, आपकी कोचिंग में अलग चैप्टर चल रहा है, ऑनलाइन आप अलग चैप्टर पढ़ देख रहे हो। ठीक है, ऐसी संभावनाएं आपके साथ होती हैं और ऐसी घटना होती भी है। ठीक है, पता चला है हम यहाँ आपको तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, या स्कूल में क्या होता है कि मई जून में बच्चे ज्यादा ना जाने की वजह से वो सारी चीजें लगभग अपना जुलाई से ही शुरू करते हैं। तो अब पता चला स्कूल गए, आपके स्कूल में जो है जुलाई से पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक, पहला चैप्टर शुरू हो रहा, पता चला आपने जुलाई में जाकर कोचिंग शुरू की, वहां भी आपका पहला चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक, तो 2 जगह आपका पहला चैप्टर हो गया, तो बेटा जो ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है, पता चला आप ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो यहां आपका तीसरा चैप्टर चल रहा, तो थोड़ा सा यहां पे आपको दिक्कत वाली बात आई, थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ। ठीक है, आप थोड़े से परेशानी में आएंगे, सबसे बड़ी परेशानी आपको क्या होगी, फिर आप जब तीसरा चैप्टर पढ़ोगे यहां पे, तो वहां पे आपको थोड़ी सी चीजें कम समझ में आएगी या वो चीज आप लिखोगे सर कम समझ में आएगा। ठीक, लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, अगर तीनों जगहों पर आप सेम चैप्टर पढ़ रहे हो, तीनों जगहों पर अगर आप सेम चैप्टर पढ़ रहे हो तो इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, जो भी डाउट होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, तीनों जगहों में से मिला के कहीं ना कहीं आपका दूर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, कोचिंग नहीं, बस केवल ऑनलाइन। ठीक, तो चलिए अब देखिए करना क्या है आपको, आप बेटा यही काम करो कि जो भी आप चैप्टर पढ़ो, ठीक है, जैसे मान लो अभी देखा जाए तो अभी हम आपका 3 चैप्टर, यानी तीसरा आपका प्रोग्रेस में है, पहला दूसरा पूरी तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन जुलाई आ गया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करो, चाहे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, जुलाई से मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से फिर से आपको जो है पढ़ा दूंगा और जो पढ़ चुके हैं उनका रिविजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो हमारे साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, और जिसके स्कूल या कोचिंग में चैप्टर आगे बढ़ गया होगा, चैप्टर आगे बढ़ गया होगा तो उस पर जो है बहुत फोकस, ठीक है, मत बनाना। ठीक है, बहुत फोकस बना के मत रहे, हाँ चीजों को पढ़ना, अभी ये नहीं कह रहे कि मत पढ़ना, लेकिन बहुत जोर मत देना, क्योंकि जब आपकी चीजें कंटिन्यू आगे बढ़ेगी तो वो सारी चीजें आपकी रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो जुलाई से हम आपको जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों चैप्टर के 1 शॉट प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि एक ही वीडियो में ये चैप्टर खत्म कर देंगे। जो भी
दो चार छह घंटे का वीडियो बने, ठीक है, जो भी दो चार छह घंटे का लाइव हो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज से मत घबराइए कि सर हम पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं, शुरू से पढ़ाइए। तो आपका जुलाई से जो है शुरू से ही चीजों को शुरू किया जाएगा। बस इसके लिए आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं है। आप लोग बेटा करते क्या हो, आप लोग सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पता चला यहां पे जो है हम आपके फिजिक्स पार्ट वन का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किसी चैनल पे फिजिक्स पार्ट टू का पहला चैप्टर चल रहा, तो आप इसको भी देख लिए, उसको भी देख लिए। किसी चैनल वाले ने डाल दिया कि जो है फिजिक्स ना, फिजिक्स चैप्टर वन से पूरा 14 तक या चैप्टर वन से यहां तक पूरा एक साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पीछे ले गए। यानी थोड़ा 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 यहां थोड़ा वहां थोड़ा वहां, तो इस थोड़े थोड़े से के चक्कर में आप कहीं के पूरे नहीं हो पाते, ठीक है, आप कहीं के पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा वाला चक्कर आप अपना हटा दो। पहली बात तो ये है कि आप अपना टारगेट सेट कर लो, कोई एक फिक्स जगह पकड़ लो, ठीक है, चाहे शुभम क्लासेस पकड़ लो या जो भी आपको टीचर बेस्ट लगे, जिस टीचर की बातें आपको समझ में आए, जिस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, आप उस टीचर को फॉलो कर लो। वो जो चीजें पढ़ा रहा है, वो जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, उससे पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सबके चक्कर में पढ़ोगे, ठीक है, तो कहावत है ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी निकल को पूरी ना पावे, ठीक है, तो वो अलग चीज है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इन सब चीजों में आप झमेलों में मत पढ़ो, ठीक है, आप जो भी काम करो उसे पूरे लगन, पूरी मेहनत और पूरे दिल से करो। हाँ, अभी शुरुआत है, पता चला आप थोड़ा एंजॉय किए हैं गर्मियों की छुट्टी में, तो अचानक से आपका पढ़ने का जो है मन है वो बनेगा नहीं, तो वो कैसे बनेगा वो भी हम अभी आपको लास्ट में बता रहे हैं। पहले यहां पे देखो, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि यहां पे आपको चीजें चैप्टर वन से मिलेगी, ठीक है, चैप्टर वन से जो है आपको मैं आपको वन शॉट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और उसके साथ साथ जब आपका चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा तो फिर आगे जो है हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके लिए भी नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि स्टडी मटेरियल हमें पढ़ना कहां से है, ठीक है, स्टडी मटेरियल हमारे क्या होने चाहिए, ठीक है, हमको पढ़ने कहां से है, ये सारी चीजें भी बहुत, स्टडी मटेरियल भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। पता चला आपका कोई दोस्त है कुमार मित्तल की बुक से पढ़ रहा है, कोई दूसरा दोस्त है वो जो है किसी साइड बुक एसएल अरोरा से पढ़ रहा है, पता चला कोई साइड बुक अरिहंत लेके पढ़ रहा है, कोई जो है एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, तो अलग अलग दोस्त हैं, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें जो है फॉलो हो रही, ठीक है। तो अब इस अलग अलग के चक्कर में आप भी पढ़े हो कि हम कौन सा पढ़े, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो अलग अलग वाला चक्कर है, ये जो अलग अलग वाली चीजें हैं, वो सारी चीजों को आप साइड करिए, ठीक है, इन चक्करों से बाहर आइए, इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पढ़िए। आप सीधे सीधे आपको पूरा आपका सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आपकी एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस को पढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो अब उसके लिए आप चाहे एनसीईआरटी ले लो या चाहे सिंपल तरीके से, ठीक है, हम तो यही बोलेंगे कि चुपचाप से आप एनसीईआरटी ले लो और बाकी की सारी चीजें नोट्स स्टडी मटेरियल सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं वही नोट्स हम आपको दे रहे हैं, वही स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, वही प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, उसी से जो है आपको सारी चीजें दे रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वही चीजें आप पढ़ रहे हो, तो आप ज्यादा इधर उधर उलझनों में नहीं पढ़ोगे, आपको चीजें भी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी और वो आपके लिए बेनिफिट भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी, स्टडी मटेरियल आपको कहां मिलेगा उसकी भी बात अभी हम करते हैं, ठीक है। इतनी बात बेटा यहां तक सबकी क्लियर हुई, तो सभी लोग जितने भी बच्चे हैं कॉपी पेन उठाओ और, ठीक है, जो भी चैप्टर आपके जुलाई से पढ़ाए जाएंगे उनको एक जगह पर, ठीक है, जो उसमें इंपॉर्टेंट रहे उसको नोट करिए, बाकी ध्यान पूर्वक क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन मस्ट है, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाए, चैप्टर में जो भी आपको फार्मूला बताया जाए, ठीक है, जो भी आपको फार्मूला बताया जाए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए, ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए या जो भी आपको नोट पॉइंट बताया जाए कि बेटा ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए, ये एग्जाम का जो है काफी मेन पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना, तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को, ठीक है, आप अपनी कॉपी पर हर हाल में नोट करते चलो, कॉपी पे नोट करते चलो, ठीक है, नोट
करते चलो, जिससे ये चीजें आपको ना भूलें, ठीक है, कॉपी पे नोट करते चलो, और नोट करने के बाद इन सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलो, ठीक। और उसके बाद जैसे ही जो भी टॉपिक आपका पढ़ाया जाए, तो टॉपिक खत्म होने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो, ठीक है, जो भी टॉपिक आपको बताया जाए, जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, गॉस का नियम पढ़ा दिया, ठीक है, पता चला आज हमने आपको गॉस का नियम पढ़ाया। अब ध्यान से देखो इसमें आपका क्या काम बनता है, ठीक। अब गॉस का नियम पढ़ाने, जैसे ही हम पढ़ा के क्लास खत्म करके गए, तो आप इसको सबसे पहला क्या काम करिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, इसका क्या करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद इस टॉपिक से, यानी कि जो गॉस का नियम है, गॉस के नियम से क्वेश्चन जो है किस तरीके से बनाकर पूछे गए हैं, या क्वेश्चन किस प्रकार से घुमाया गया है, उन सभी क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लो। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में हैं, वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर लो। अब सवाल ये उठता है कि सर ये हमें मिलेगा कहाँ, ये हमें मिलेगा कहाँ, तो ये सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएगी, शुभम क्लासेस ऐप पर आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसके लिए भी आपको बहुत इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल रहा, ठीक है, बिल्कुल आप आराम से घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसके लिए भी आपको बहुत एक्स्ट्रा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं। तो ये बात हो गई, ये पढ़ने वाली बात, ठीक। अब जो हम बात करें, ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या, समझ में आया कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए बेटा, वो टॉपिक आप रिवीजन करने के बाद उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना आपका काम है। अब ये क्वेश्चन वगैरह आपको मिलेगा कहां कि एग्जाम में कौन कौन का क्वेश्चन पूछा गया, कैसा क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे ये गॉस का नियम है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि सिद्ध करो, ठीक है, सिद्ध कीजिए किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित, ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये चीज कभी कभी लिख दिया जाता है, ये गॉस के नियम का स्टेटमेंट है, ठीक। अब कभी कभी सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा गॉस के नियम का, ठीक है, उल्लेख कीजिए या गॉस के नियम को लिखते हुए गॉस के नियम को सिद्ध करो, ठीक। तो अब आपको गॉस के नियम का कथन लिखना है, स्टेटमेंट भी लिखना है, और इसके साथ साथ आपको इसको प्रूफ भी करना है। तो यही एक क्वेश्चन दो तरीके से हो गया, और भी कई सारे तरीके हैं जो इस क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आपको पता चलेगा, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। देखिए जो भी बच्चे बेटा अभी तक देखो बैच नहीं ज्वाइन किए हैं शुभम क्लासेस का, सभी लोग शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैच से देखिए इस बार के 2023 के बोर्ड परीक्षा में बच्चों ने मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं 97 तक जो है बच्चे नंबर ले आए हैं। तो इस तरीके से 2024 बैच के लिए, अगर आप 2024 बैच में यानी कि 2024 में फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं या बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आपके लिए बेटा ये जो बैच है टॉप 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ कितना है, 1499 रुपए है मात्र। इसके अंदर देखिए आपको मिल जाएगी लाइव क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, यानी जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया उस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर मिल जाएंगी। नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स भी मिल जाएगा। एक तो जो स्मार्ट बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको लास्ट ईयर का पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है, पिछले 3-4 सालों का, या मानो अगर आप जरूरत समझोगे, अगर आप कर ले जाओगे, तो आपके कहने पे हम आपको 10 साल तक का पेपर प्रोवाइड कर देंगे, पिछले 10 सालों तक का आपको पेपर मिल जाएगा। आप पेपर उठा के देख लेना, क्योंकि इतना पीछे जाने की बहुत जरूरत नहीं, रिसेंट के 2-3 साल बहुत हैं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि पीछे 10 साल में जाओगे तो पीछे 10 साल में फिजिक्स का सिलेबस कुछ और था, ठीक है, उस टाइम फिजिक्स का सिलेबस कुछ और था, अब कुछ और है। तो सिलेबस के हिसाब से देखो अभी रिसेंट में जो है आपके लिए मैक्सिमम 3-4 साल का जो पेपर है वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, इससे ज्यादा हमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। हर संडे आपका टेस्ट होता है, इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी देखने को मिलेंगे। अब पता चला किसी थंबनेल में आपने देख लिया कि पिछले 10 साल से लगातार फिजिक्स में पूछे जाने वाले प्रश्न तुरंत के लिए, अरे कम से कम थोड़ा सा आप अपना दिमाग तो लगाओ, पिछले 10 साल में फिजिक्स का सिलेबस क्या था और अब क्या है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं
जो नहीं बदले हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बदल गए हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए भी इतना ज्यादा, ठीक है, इतना ज्यादा तो आपके लिए बेसिकली देखा जाए तो 3 से 4 साल के अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपके पास अनसॉल्व पेपर है, नहीं है तो आपको ऐप में मिल जाएगा, अगर है तो आप कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप इसको निकलवाना चाहेंगे तो वो भी आपके लिए प्रबंध हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, तो ये सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। अब आगे, ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपको सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पढ़ने में ज्यादा मन नहीं लगता, या अगर अभी हम आपसे बोलें कि हर एक स्टूडेंट, ठीक है, आपको फिजिक्स के लिए, आपको बेटा फिजिक्स के लिए पर डे 1.5 घंटे आपको देने हैं, ठीक है, 1.5 घंटे आपको देने हैं, आई बात समझ में, ये सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए आपको फिजिक्स के लिए 1.5 घंटे देने हैं। तो अब आप कहोगे सर हम 1.5 घंटा बैठ ही नहीं पाते, तो इसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, जितना आप 15 मिनट बैठ पा रहे हो, 20 मिनट बैठ पा रहे हो, चलो मान के चलो आप 20 मिनट बैठ पा रहे हो, ठीक है, यानी कि आप 20 मिनट पढ़ पा रहे हो, उसके बाद जो है आपका कंसंट्रेशन जो है वो भंग हो जा रहा है या आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इसके लिए आप क्या काम करो, ठीक है, आज आप 20 मिनट पढ़ो, कल जब आप पढ़ो तो 20 की जगह 25 मिनट पढ़ने की कोशिश करो, आप अपने मन चलो ठीक है 5 मिनट और पढ़ लेता हूं, बस यही क्वेश्चन, ठीक है। अगले दिन फिर वही चीज, 25 मिनट पढ़े, अब उस 25 में 2-4 मिनट जो भी आप बढ़ा पाओ, आप ऐसे धीरे धीरे 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट करके, अगर आप 5 मिनट बढ़ा पा रहे हो तो वो भी बेस्ट है, 5 मिनट नहीं बढ़ा पा रहे हो 2 मिनट बढ़ा पा रहे हो, जितना भी आप बढ़ा पा रहे हो, आप पर डे टाइम बिल्कुल भी मत घटाइए, पर डे आप अपना टाइम बढ़ाते जाइए, 5-5 मिनट अगर आप पर डे अपना बढ़ाते जाओगे तो बहुत आसानी से आपके रूटीन में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अचानक से 1.5 घंटा पढ़ने बैठोगे तो बेटा आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, अचानक से आप 1.5 घंटे बैठोगे पढ़ने तो नहीं पढ़ पाओगे, 1.5 घंटा आप अचानक से कब बैठ के पढ़ पाओगे, जब आपके एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा, आपके सर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और वैसे भी प्रेशर में आके चीजें जो है, ठीक है, प्रेशर में आके कोई काम अगर आप करते हो तो वो बहुत बेस्ट नहीं होता है, ठीक है, बहुत बेस्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बता दें, देखिए जो पुराने बुजुर्ग आदमी होंगे उनसे आप पूछ सकते होगे, ठीक है, देखिए एक होती है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जैसे नॉर्मल बर्तन में जो है, मान लो कोई दाल बनाई गई या कोई भी चावल बनाया गया नॉर्मल बर्तन में, ठीक, और दूसरा जो है प्रेशर कुकर में बनाया गया, ठीक, प्रेशर कुकर में बनाया गया, तो आप चख के देखोगे बेटा दोनों के टेस्ट में जो है कहीं ना कहीं अंतर आएगा, ठीक है, दोनों के टेस्ट में अंतर आएगा। तो वही चीज है, जो बिना प्रेशर के आप आसानी से काम करोगे वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, लेकिन जो काम आप प्रेशर में करोगे, ठीक है, उसमें जो है चीजें में वो मजा नहीं आएगा। तो वही चीज है कि हम अपने ऊपर प्रेशर पड़ने ही क्यों दें, हम क्यों ना जुलाई से ही चीजों को पढ़ना शुरू कर दें, जुलाई से ही आप चीजों को अगर पढ़ना शुरू करते हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयार हैं हमारे साथ जुलाई से जो है एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो जुलाई से, जुलाई के फर्स्ट वीक से, यानी कि जुलाई एक जुलाई को शायद आपका संडे है या मंडे से, ठीक है, जुलाई में जो पहला मंडे है उस पहले मंडे से आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ रेडी रहिएगा, और कितने बच्चे रेडी हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताया, और सभी बच्चे इस सेशन को भी शेयर करते रहना अपने दोस्तों तक, ठीक है, जिससे मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच सके। देखो बेटा शेयर करने के लिए आपसे इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इस चीजों को बेटा अपने दोस्तों को शेयर करोगे, जैसे मान लो आपके साथ आपका कोई मित्र है, ठीक, पता चला वो आपका मित्र आपके साथ स्कूल में भी पढ़ रहा है, उस वो आपके साथ साथ जो वीडियो आप मेरा देख रहे हो, मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, वो भी आपका क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक। अब कोई भी चीज ऐसा हुआ, ठीक, कोई भी टॉपिक हमने पढ़ाया तो उससे आप आसानी से डिस्कस कर सकते हो, यार जो संजीव सर पढ़ाए थे ये तुमको पता है, हमें यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, हाँ वो बोलेगा हाँ हमें पता है, या अगर नहीं पता होगा तो आपके जब आप ग्रुपों में शेयर करोगे तो कई सारे दोस्त होंगे, किसी न किसी को वो चीजें बेहतर समझ में आएंगी, तो वो चीजें आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब जब आपस में चीजों को डिस्कस करके पढ़ लोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक, और बाकी डाउट्स के लिए तो हम है ही,
ठीक है। बाकी जो भी डाउट्स आप लोग लाइव में पूछते हो वो चीज क्लियर किया ही जाता है, ठीक है। आपका अलग से डाउट सेशन भी होता है, जैसा कि ऐप के बारे में आपको बताया गया, ऐप आपका बन के रेडी हो गया, ठीक है। नया ऐप आपका जो है बन के रेडी हो गया है, ऐप पूरी तरीके से अपडेट हो गया है, तो अब आपके कमेंट्स वाली भी समस्या नहीं है, तो अब डाउट वाली भी समस्या आपकी नहीं रहेगी, ठीक है। ओके बच्चों, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कितने बच्चे तैयार हैं, और सभी लोग बेटा इस सेशन को शेयर कर देना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बार जितने भी बच्चे बेटा अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक जो है हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन और एनर्जी का काम करता है। तो एक लाइक से आपका कुछ जाता नहीं, लाइक करने का वैसे भी किसी भी प्रकार का कोई चार्ज तो लगता नहीं कि लाइक करोगे तो पैसा लगेगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर।